और मंच पर हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री भूपेश बघेल जी पहुंच रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत करने का कष्ट करें, जोरदार तालियों से अभिनंदन करने का कष्ट करें। इस महत्वपूर्ण अवसर पर इस कार्यशाला में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ पधारे हैं माननीय श्री प्रेम साय टेकाम, प्रभारी मंत्री बस्तर। आप सभी सम्मानित अतिथियों का इस मंच पर हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण अध्यक्ष माननीय श्री राजमन बेंजाम जी से हम आग्रह करना चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बस्तर का पारंपरिक पगड़ी पहनाकर स्वागत करने का कष्ट करें। सांसद बस्तर माननीय श्री दीपक बैज जी और श्री राजमन बेंजाम जी पारंपरिक पगड़ी पहनाते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय को मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन माननीय श्री भूपेश बघेल जी के स्वागत के लिए सबसे पहले आमंत्रित हैं अध्यक्ष बस्तर विकास प्राधिकरण माननीय श्री लखेश्वर बघेल जी। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करेंगे माननीय श्री दीपक बैज जी, सांसद बस्तर। स्वागत के इस क्रम में आमंत्रित हैं विधायक कोंडागांव, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी माननीय श्री मोहन मरकाम। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करेंगे। स्वागत के इस क्रम में आमंत्रित हैं विधायक जगदलपुर माननीय श्री रेखचंद जैन जी। आप आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करने का कष्ट करें। विधायक नारायणपुर माननीय श्री चंदन कश्यप भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करेंगे। स्वागत के इस क्रम में आमंत्रित हैं प्रदेश महासचिव माननीय श्री मलकीत सिंह गैदू जी। जिला प्रशासन से हम आमंत्रित करते हैं कमिश्नर बस्तर संभाग आदरणीय श्री अमृत खलको जी। स्वागत के इस क्रम में आमंत्रित हैं आईजी बस्तर रेंज आदरणीय श्री विवेकानंद सिन्हा जी। जिलाधीश बस्तर कलेक्टर बस्तर आदरणीय श्री अयाज तंगोली सर। पुलिस अधीक्षक बस्तर एसपी आदरणीय श्री दीपक कुमार झा जी। हमारे बीच मौजूद है प्रभारी मंत्री बस्तर माननीय श्री प्रेम साय सिंह टेकाम जी। स्वागत के लिए आमंत्रित है माननीय श्री लखेश्वर बघेल जी, अध्यक्ष बस्तर विकास प्राधिकरण, सांसद बस्तर माननीय श्री दीपक बैज जी, कलेक्टर बस्तर डॉक्टर अयाज तंगोली सर। प्रदेश के आबकारी मंत्री माननीय श्री कवासी लखमा जी हमारे बीच मौजूद हैं। कलेक्टर बस्तर से एक बार फिर आग्रह करना चाहेंगे कि माननीय श्री कवासी लखमा जी का स्वागत करने का कष्ट करें। मंच पर आसीन है माननीय श्री लखेश्वर बघेल जी, अध्यक्ष बस्तर विकास प्राधिकरण, सांसद बस्तर माननीय श्री दीपक बैज जी, माननीय श्री मोहन मरकाम जी विधायक कोंडागांव, छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय श्री रेखचंद जैन जी, विधायक जगदलपुर चंदन कश्यप जी, माननीय विधायक नारायणपुर माननीय श्री अरविंद नेताम जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री माननीय श्रीमती पूर्वदेवी नेताम जी, अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस महिला कांग्रेस कमेटी माननीय श्री राजेश तिवारी जी, नित्य सचिव माननीय मुख्यमंत्री महोदय माननीय उमा शंकर शुक्ला जी भी हमारे बीच मौजूद हैं। मैं एसडीएम टोकापाल माधुरी सोम जी से आग्रह करना चाहूंगा कि मंचासीन सभी अतिथियों का स्वागत करने का कष्ट करें। माननीय श्री मन्नूराम कच्छ जी पूर्व विधायक, माननीय श्री राजमन बेंजाम जी अध्यक्ष बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण, माननीय श्री मलकीत सिंह गैदू जी प्रदेश महासचिव, माननीय श्री बलराम मौर्य जी संयुक्त सचिव प्रदेश कांग्रेस कमेटी, श्रीमती रुक्मणी कर्मा जी जिला पंचायत के सदस्य, माननीय श्री बलिराम कश्यप जी जिला पंचायत के सदस्य, माननीय श्रीमती मालती मौर्य जी
माननीय श्रीमती विमला बघेल जी, माननीय श्री गणेश कावड़े जी, श्री सहदेव नाग जी, श्री बुधराम बघेल जी, श्री वीर सिंह बघेल जी, श्री चंद्रशेखर ठाकुर जी, श्री अलगू प्रसाद जी, श्री सोमारूराम कर्मा जी और माननीय श्री सत्तार अली जी। इस क्रम में मैं आसिफ और उस्मान को भी इस मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगा, आप आए और मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करने का कष्ट करें। स्वागत के इस क्रम में आमंत्रित हैं श्री तुलाराम कवासी जी, श्री दुलगोराम कर्मा जी, श्री सुंदर सोड़ी जी, श्री जगबंधु ठाकुर जी, श्री तुलसी मौर्य जी, श्री खेगेश्वर कश्यप जी, श्री सोमारूराम नाग जी, श्री डमरू कश्यप जी, श्री नकुल राम बघेल जी, श्रीमती जयमणी ठाकुर जी, श्री जयदेव नाग जी, श्री शंकर नाग जी, श्री दुलाराम कश्यप जी, बलराम मौर्य जी और राजमन बेंजाम जी गजमाला से यहाँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन कर रहे हैं। तमाम दर्शकों से हम विनम्रता पूर्वक आग्रह करना चाहेंगे कि बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करने का कष्ट करें। ये गजमाला से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत कर रहे हैं बलराम मौर्य जी और राजमन बेंजाम जी। श्री सोमेश्वर कश्यप जी, श्री सोमाराम नाग जी, श्री डमरू कश्यप जी, श्री नकुल राम बघेल जी, श्रीमती जयमणी ठाकुर जी, श्री जयदेव नाग जी, श्री शंकर नाग जी, श्री दुलाराम कश्यप जी, श्री गागरू नाग जी, श्री कमल साय कश्यप जी, श्री मोहन कश्यप जी, श्री संतोष कश्यप जी, श्री अशोक चौहान जी, श्री ज्ञानेन्द्र चौहान जी, श्री कमलेश जी, श्री रघु जी, श्री रूप सिंह जी, श्री देवेंद्र पोड़ियाम जी, श्री ब्रज नारायण ठाकुर जी, सभी स्वागत करते जाए पुष्पगुच्छ से, पुष्पहार से स्वागत यहाँ पर महिला पदाधिकारियों के द्वारा भी किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन यहाँ पर किया जा रहा है। आप सभी का स्वागत है, आप सभी का अभिनंदन है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन करते हुए पदाधिकारीगण, सम्मानित सदस्यगण, वन अधिकार, सुपोषण एवं ग्राम विकास कार्यशाला में आज प्रदेश के मुखिया स्वयं यहां पर पहुंचे हैं। आसिफ, उस्मान, सभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यहां पर अभिनंदन कर रहे हैं। सभी का स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। मंच में हमारे साथ बने हुए हैं माननीय श्री प्रेम साय टेकाम जी, प्रभारी मंत्री बस्तर, माननीय श्री कवासी लखमा जी, आबकारी मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, माननीय श्री लखेश्वर बघेल जी, अध्यक्ष बस्तर विकास प्राधिकरण, माननीय श्री दीपक बैद जी, सांसद बस्तर, माननीय श्री मोहन मरकाम जी, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी, माननीय श्री रेखचंद जैन जी, माननीय श्री अरविंद नेताम जी, माननीय श्री चंदन कश्यप जी, माननीय श्री राजेश तिवारी जी, श्री राजमन बेंजाम जी, श्री मलकित सिंह गैदू जी, बलराम मौर्य जी, श्रीमती रुक्मणी कर्मा जी, श्री बलिराम कश्यप जी, मालती मौर्य जी, विमला बघेल जी, सहदेव नाग जी, अलगू प्रसाद कुशवाहा जी, सोमारू कर्मा जी, सत्तार अली जी, सभी का यहां पर हम मंच पर स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। अतिथियों से आग्रह करना चाहेंगे कृपया मंचासीन होने का कष्ट करें और इसके बाद स्वागत संबोधन की कड़ी में आमंत्रित हैं ससम्मान बस्तर कलेक्टर आदरणीय श्री अयाज तंबुल। नमस्कार, आज तोकापाल में उपस्थित आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। बना हुआ नंगत बस्तर इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इसमें जिले उपस्थित प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी, जिले के प्रभारी मंत्री श्री प्रेम साय टेकाम जी, माननीय कवयित्री लखमा जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन, मंच पर उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्ति और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। आज जो कार्यक्रम है उसमें मुख्य रूप से सुपोषण के कार्यक्रम की शुरुआत होगी और आपके हमारे बच्चों को एक खुशहाल बचपन देने के लिए हर एक नानी बेरा कार्यक्रम का आज शुभारंभ हो रहा है। इस मंच से 70,000 बच्चे और 9,000 माताओं को पोषण आहार आंगनबाड़ी में अतिरिक्त दिया जाएगा जो अब तक दिया जाता था। इसमें अंडा और मूंगफली का लड्डू, ये अतिरिक्त व्यंजन हर दिन उपलब्ध होगा और बच्चों को कुपोषण से पूर्ण रूप से मुक्ति देने के लिए कार्यक्रम आज यहाँ लॉन्च हो रहा है। इस मंच से
साथ ही साथ ग्राम विकास का नरवा घरवा गुरुवा बाड़ी का जो मॉडल है उसमें एक स्टेज आगे चलते हुए हम लोग नालों का विशेष रूप से विकास जीआईएस मैपिंग के आधार पर कर रहे हैं और वनाधिकार में 7,500 से ज्यादा आवेदन जिले में अब तक प्राप्त हो चुके हैं और आज से वनाधिकार की जो नए अभियान सरकार ने मंशा की थी उस अभियान का वितरण का प्रारंभ हो रहा है। साथ ही साथ तीन नई चीजें हम लोग इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध था जो इसमें प्रारंभ होगी, जो हम लोग ऑफिसेस में जाते हैं उन ऑफिसेस को स्वच्छ करना और उन ऑफिसेस में गांव वालों के आने के हिसाब से उनके बैठने के हिसाब से ऑफिसेस को अच्छा करना, मोचो ऑफिस नंगत ऑफिस, इस अभियान का भी आज शुरुआत हम लोग इस मंच से करा रहे हैं सर। और 333 करोड़ की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी इस मंच से आप सभी को देंगे। इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद। बस्तर के विकास के चार आधार स्तंभ ये है, नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी, इससे संबंधित वीडियो का प्रदर्शन अब किया जाएगा। वीडियो प्रदर्शन के लिए जो संबंधित व्यक्ति हैं उनसे हमारा निवेदन है कृपया वीडियो स्टार्ट करने का कष्ट करें। गढ़वा नवा छत्तीसगढ़ संकल्प के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा कृषि आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने, स्थानीय संसाधनों को विकसित करने और व्यापक तौर पर पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखकर और कृषकों की आय दोगुना करने के उद्देश्य से नरवा गरवा गुरुवा बाड़ी अभियान प्रारंभ किया गया है। बस्तर जिले के द्वारा राज्य शासन की महत्वाकांक्षी योजना में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने भरसक प्रयास किया जा रहा है। पहले फेज में जिले के 7 विकास खंडों में 7 नालों को कार्य हेतु चयन किया गया है जिसकी लंबाई 114 किलोमीटर है, जिनके वाटरशेड एरिया अंतर्गत कुल 45 ग्राम पंचायतें आती हैं। इन 7 नालों पर आधुनिक तकनीक से डीपीआर निर्माण कर रिस्ट वैली कॉन्सेप्ट के आधार पर कार्य किया जा रहा है। इसकी कुल लागत 18 करोड़ रुपए है, जिसमें 13 करोड़ 85 लाख रुपए के कार्यों की स्वीकृति हो चुकी है। इस ट्रीटमेंट के उपरांत एक तरफ 360,350 क्यूबिक मीटर पानी का संचय होगा, वहीं दूसरी तरफ वाटर बजटिंग की कार्यशैली अपनाकर पेयजल, सिंचाई और पशुओं के पेयजल की व्यवस्था की जाएगी। इसका कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, इससे जल स्तर की बढ़ोतरी के साथ ही सिंचाई के लिए पर्याप्त सुविधा प्राप्त होगी। बस्तर की 358 ग्राम पंचायतों में से 54 ग्राम पंचायतों में गौठान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसमें 16 गौठानों का निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया गया है, जिससे गांव में गौवंश के लिए पानी और चारे की व्यवस्था सुचारू रूप से एक जगह की जाएगी। सभी गौठानों में 200 और सभी चारागाह में 2000 पौधे लगाए जाएंगे, इससे पशुओं को छाया मिलेगी और गौठान समिति को फल से अतिरिक्त आमदनी मिलेगी। अच्छे चारे की सुविधा से दूध उत्पादन में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी तरफ किसानों को अपने खेतों में दूसरी फसल लगाने में जो पूर्व में पशुओं से खतरा रहता था वो कम होगा और कृषि विभाग के द्वारा 5,518 भू नाडेव का पुनर्धार किया जाएगा एवं 7,984 घुरवा का निर्माण किया जाएगा, जिससे गौमूत्र और गोबर इकट्ठा होगा, जिससे ग्रामीणों को पर्याप्त मात्रा में खाद प्राप्त होगी, जिससे जैविक कीटनाशक एवं खाद बनाकर किसानों के उत्पादन लागत को कम किया जा सकेगा। साथ ही गोबर खाद डालने से जमीन की उत्पादक क्षमता बढ़ाई जाएगी। जिले में 3 मॉडल को चिन्हांकित कर आय को दोगुना करने की कोशिश की जा रही है। इसमें प्रथम मॉडल है चितालूर मॉडल, जिसके अंतर्गत चितालूर में इंद्रावती से लगे 900 एकड़ में 5 किलोमीटर में फेंसिंग का घेराव कर और 400 सोलर पंप स्थापित कर 250 किसानों को अपने खेतों में 3 फसल लेने की सुविधा दी जाएगी और उन्हीं के खेतों की मेड़ में फलदार पौधे जैसे जामुन, कटहल और नींबू लगाकर अतिरिक्त आय प्राप्त होगी। ये पूरी योजना नरेगा, वन विभाग एवं क्रीड़ा के द्वारा किसानों को निशुल्क प्रदान की जाएगी और साथ ही नदी से लगे जमीनों पर भी इसका विस्तार किया जाएगा। जहां एक तरफ नदी के दोनों तरफ तटों पर वृक्षारोपण और फेंसिंग के जरिए आय को चौगुना करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं गांव के घर की बाड़ियों में एक नया प्रयोग विकासखंड दरभा में किया जा रहा है, जिसे किलाऊर मॉडल के रूप में प्रसारित किया जा रहा है।
यह सफलता मिलने के उपरांत इसे पूरे ब्लॉक में लागू करने का निर्णय लिया गया है। इसमें 980 महिलाओं को 1030 एकड़ में वित्तीय सहायता प्रदान कर महिला समूह को घर के आसपास के स्थायी जल स्रोतों से घरों के पीछे की बाड़ी में सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है। 25% राशि समूह द्वारा और 50 लाख की जिला प्रशासन की कंट्रीब्यूशन से 1030 एकड़ में साल भर में 4 बार सब्जी लेने की क्षमता विकसित की जा रही है। छत्तीसगढ़ ग्रामीण अर्थव्यवस्था का रोल